सर कबीर फिर से जल्दी जाना है आज, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए तुम्हें यहां ज्वाइन किए हुए कबीर, हर तीसरे दिन हाफ डे ले रहे हो। सर हेल्थ सच में ठीक नहीं है। कभी तो इस कंपनी के हेल्थ का भी सोचो कबीर, तुम्हें एक स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्रूट किया गया है, वो पूरा नहीं होने पे नुकसान होता है। कभी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ली है? शक्ल पर लिखा हुआ है बोर्ड में। देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारी यही आदत है और मुझे बताने के लिए बहाने ढूंढते आओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे हाँ नारायण, हाँ हम लोग बस अभी अभी पहुंचे हैं। हाँ तुम तुरंत कुछ लड़कों को साफ सफाई के लिए यहाँ भेज दो, 2 हफ्ते तो रहेंगे। चलो यहाँ साफ सफाई तो होती रही। नारायण बहुत सिंसियर बंदा। अरे रवि ना सुनो ना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज। पाउडर वाली चाहिए तो अभी बना देती हूँ, दूध वाली चाहिए तो मार्केट से लेकर आओ। अब कहाँ मैं गाय वाय का दूध ढूंढता फिरूंगा। एक काम करो ना, मेरे लिए वो पाउडर वाली चाय बना दो। भयंकर बदबू है ये। लगता है तुम्हारे वो सिंसियर नारायण ने महीनों से टैंक की सफाई नहीं करवाई है। लेकिन वो तो शीतल और कबीर साफ करवाते हैं ना, वो दोनों इस बदबू को कैसे झेल रहे होंगे। रवीना, वो कबीर के मामा जी संजीव माथुर नंबर है तुम्हारे पास? हाँ शायद होगा। अरे विपिन कैसे हो भाई? नमस्ते संजीव जी। नमस्ते नमस्ते, कब आए दुबई से? बस अभी अभी। अच्छा एक बात बताइए, ये शीतल और कबीर कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं तो, अब हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो पिछले 3 महीने से यहाँ वाराणसी में हैं। संजीव जी घर बंद है और कबीर और शीतल दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब हमसे तो कुछ कहा नहीं उन लोगों ने, क्यों कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम तो है, नल के पानी से भयंकर बदबू आ रही है, कुछ सीरियस है। हम अभी अभी यहाँ आए हैं सीधे एयरपोर्ट से, हम दुबई में सेटल्ड हैं, साल में बस 2-3 हफ्ते के लिए ही यहाँ आते हैं। ये कबीर और उसकी वाइफ कहाँ सर्विस करते हैं, कुछ आइडिया आपको? नो आइडिया सर, बस इतना पता है कि कबीर कहीं सेल्स में है। शीतल घर संभालती है, मुझे नहीं लगता वो कहीं सर्विस करती है।
लगता है काफी दिनों से ये लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। कबीर के मामा संजीव माथुर से बात हुई मेरी, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये पानी की टंकी तक जाने का रास्ता कहाँ से? वो वहां से सर। सर कुछ तो है, और ये चूहा मरने की बदबू नहीं लगती, कुछ और ही लगता है सर। सर लाश लगती है, तैर रही है। निकालो, बाहर निकालो, काफी गल गई है। पर निकालना तो पड़ेगा ना। आदमी है या औरत पता नहीं चल रहा सर, पर ह्यूमन बॉडी है ये तो पक्का है। वो प्लास्टिक शीट में क्या लेके गए विपिन? बॉडी। बॉडी किसकी? पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी रवीना। पुलिस कह रही है कि शीतल और कबीर के घर में सब कुछ ज्यों का त्यों है। उन दोनों के सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो दोनों घर छोड़कर कहीं गए हो। तो फिर वो बॉडी थी किसकी? पुलिस कह रही है कि मेल है या फीमेल है, पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चल सकता है। फर्स्ट फ्लोर वाला घर, पूरी कोठी सब चेक किया, दूसरी लाश कहीं नहीं मिली। पोस्टमार्टम टीम कह रही है कि कम से कम एक दिन और लगेगा ये आइडेंटिफाई होने में कि लाश मेल की है या फीमेल की। शीतल और कबीर के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए अर्जेंट बेसिस पर। और ये कबीर के मामा मामी, इनकी क्या पोजीशन है? वाराणसी से रवाना हुए, कल सुबह तक पहुँच रहे हैं। तो पिछले 3 महीनों से आपके अपने भांजे कबीर से बात नहीं हुई, ना ही उसकी बीवी शीतल से। क्यों, कोई झगड़ा, कोई अनबन? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अब हम, मतलब मैं और मेरी पत्नी, हम लोग कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार ऐसे घूमते रहते हैं। सामने से कोई फोन आ जाए तो बात हो जाती है। लेकिन जून में एक बार बात तो हुई थी शीतल से। डेट तो लता तुम्हें याद है डेट क्या थी? 27 जून था जी। शीतल परेशान थी कि कबीर घर लौटा ही नहीं था ऑफिस से। हाँ हाँ सर, वो असल में जानना चाहती थी कि कबीर की हमारे साथ कोई बात तो नहीं हुई। आपका घर कन्नौज में है? जी, लेकिन हम लोग आजकल वहाँ पर कम ही रहते हैं। जब शीतल का फोन आया तो हम लोग ऋषिकेश में थे। और कबीर के माँ बाप? कबीर के पिताजी यानी मेरे जीजा जी अरुण सक्सेना, जब वो गुजर गए तो कबीर 10 साल का था, और फिर जब वो 19 का हुआ तो कबीर की माँ यानी मेरी जानकी दीदी, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। सर, हम ही ने कबीर को हमारे बेटे जैसा बड़ा किया है, हमारे अपने बेटे रोहन के साथ। अच्छा, 27 जून को जब कबीर घर नहीं लौटा तो फिर वापस कब आया? मुझे डिटेल तो नहीं पता,
लेकिन शीतल बहुत परेशान थी। अरे नहीं रे शीतल, कबीर ने हमें फोन नहीं किया, कई दिनों से फोन नहीं किया है उसने, और ऐसे बिना बताए कहाँ चला जाएगा कबीर। बेटी मांजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा मामी जी, आजकल बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं। अब देखिए कल ऐसे ऑफिस के लिए निकल गए बिना नाश्ता किए, उसके बाद शाम को घर तक नहीं लौटे। अब फोन पे फोन किए जा रही हो, एसएमएस भी किया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ है ये। बेटी कोई तो वजह होगी। पता होता तो आपको जरूर बताती ना मामी जी, उनकी क्या परेशानी है ये ना जानकर मैं और परेशान हो जाती हूँ। अब देखिए कैसे गायब हो गए वो। तो फिर ये कबीर लौटा कब? शीतल के फोन के अगले दिन तक तो नहीं लौटा था सर, वो बहुत परेशान थी। वो अब तक घर नहीं लौटे, मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस में कंप्लेंट करवानी पड़े? और क्या चाह रहा है मेरे पास मामा जी, वो अब तक घर नहीं लौटे, कब तक ऐसे टेंशन में जीऊंगी, कब तक वेट करती रहूंगी कि अब उनका डिप्रेशन खत्म होगा और अब वो घर लौट के आएंगे। इंसान हूँ मामा जी, पत्नी हूँ कबीर की। तो फिर पुलिस ने कबीर को ढूंढ निकाला या वो खुद लौटा था? ये तो हमें मालूम नहीं सर। और आप लोग कहते हैं कि आपने उसको पाल पोस के अपने बेटे की तरह बड़ा किया था, और आपको अंदाजा तक नहीं है कि गायब होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। हम लोग अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, मैंने एक हफ्ते बाद फोन लगाया था लेकिन लग ही नहीं रहा था। और आगे आपने जानने की भी कोशिश नहीं की कि माजरा क्या है? सर, कबीर के मामा संजीव के अनुसार जून के महीने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी शीतल ने, और उनका घर हमारे थाने के अंडर आता है, पर हमारे थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर इस कबीर सक्सेना को लेकर। पांडे, बाकी आसपास और दूर के थाने में भी फोन करो, कहीं और कंप्लेंट दर्ज करवाई होगी। नहीं भैया, वो दोनों तो कभी हमसे मिलने नहीं आए, और ना ही हम कभी उनके घर गए मिलने। भैया हरीश की तो कभी फोन पर भी बात नहीं हुई उन दोनों से, ना कबीर से ना शीतल से। पुलिस कह रही है कि उनको जो लाश मिली है वो पक्का पता नहीं कि आदमी की है या औरत की। हे भगवान, इतना भयंकर! ये दोनों कबीर और शीतल जा कहां सकते हैं? भैया, शीतल के मम्मी पापा से बात हुई? पुलिस को उनका नंबर दिया? हाँ दे दिया है, वो वहां भी बात कर रहे हैं। ये वाकई में अजीब बात है, वहां कबीर के मामा कह रहे हैं कि उन दोनों ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, और यहां आप लोग भी वही कह रहे हैं। आपकी अपनी बेटी या दामाद से 3 महीने में एक भी बार बात नहीं हुई। शीतल ने फोन बंद कर रखा है, बात कैसे होगी आप ही बताइए। देखिए शीतल, जून के आखिर में यहां पर आई थी। ये क्या नॉनसेंस लगा रखा है शीतल, कबीर बार बार ऐसी हरकत कर रहा है तो तुम उसे सीधे सीधे छोड़ क्यों नहीं देती? पापा कोई फ्रिज या टीवी नहीं है, वो पति है मेरे, मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बेटा, प्यार करने वाले इस तरह गायब रहकर सामने वाले को परेशान तो नहीं करते ना, ना ही उसे दर्द देते हैं। मम्मी आप तो हमारा असली दर्द जानती है ना, मैं उससे उभर पाई हूँ, कबीर नहीं उभर पाए हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा शीतल? पुलिस क्या कह रही है? कंप्लेन लिखवाई है, कह रहे एक दिन वेट करें। कोई वेट करने की जरूरत नहीं है शीतल, उसको जब घर आना है तब वो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम एक अच्छे डिवोर्स लॉयर से मिलो बस। पापा पापा वापा कुछ नहीं, कब तक उसके डिप्रेशन को झेलती रहोगी? डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिससे हम दोनों साथ में लड़ रहे हैं, और प्लीज पापा आप हमारी शादी में दखल ना दे तो ही बेटर होगा। बस सारा दिन मुंह फुलाए बैठी रही और दूसरे दिन चली गई, उसे फिक्र ही नहीं थी कि हमें उसकी फिक्र है। तो आपको टेंशन नहीं हुई, एक बार भी कानपुर नहीं गए? हमारी बेटी हम पर नाराज थी, हम क्या कर सकते थे, वो हमारे प्यार को दखल समझ रही थी। और अब आप कह रहे हैं कि कोई बॉडी मिली है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बात यहां तक पहुंच गई। कबीर ने ही किया ना, उसी ने मार डाला ना हमारी बेटी को। लाश औरत की है आदमी की अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैसे कबीर के डिप्रेशन की वजह क्या थी? कबीर, हमने हर मुमकिन कोशिश की पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाया। आई एम सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। आई एम रियली सॉरी, रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन बहुत अक्यूट था, बच्चे का सिस्टम हैंडल नहीं कर सका कबीर। अब कहां क्या गलत जा रहा था, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभार तो लगता था कि कबीर का कहीं कोई चक्कर तो नहीं। शीतल ने आपको बताया था
कानपुर के कौन से पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी उसने? बताया तो सही है आपको कि उसने हमसे कोई बात ही नहीं की। कबीर को छोड़ने का सुझाव शायद उसे चुभ गया था। हिंद नगर, रोहिणी बाग, बिस्मिल पाड़ा, तीनों पुलिस स्टेशन की सभी चौकी से चेक किया है। जून में कबीर की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। पूरे कानपुर के सारे थाने, सारी पुलिस चौकी चेक करो पांडे। मजाक है क्या? एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है और उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता है। अब हमारे हाथ में एक सड़ी हुई लाश लगी है। पता नहीं उस टैंक में कब से थी, किसकी लाश है, कैसे वहां पहुंची। मुझे वो मिसिंग कंप्लेन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम चाहिए तुरंत। साहब जी, मेरा लड़का लगातार 3 दिन गया था दूध देने के लिए। आखिरी बार 28 जून को गया था दूध का पैकेट रखने। अगले दिन जब 29 को गया तो देखा पैकेट वैसा वैसा रखा है, तो वो क्यों रखता? फोन नहीं किया कबीर या शीतल सक्सेना को? लगातार फोन बंद आ रहा था साहब। मेरा भी 1 महीने का पेपर बिल बाकी है साहब। 28 जून के बाद कभी मोहल्ले में दिखे ही नहीं। दिखे भी होंगे तो उतनी जल्दी पहचान ना पाऊंगा। दरअसल ज्यादातर लड़के होते हैं पेपर डालने वाले, हमें तो बस हिसाब किताब देखना होता है। आप ये पकड़ कर चल सकते हैं कि ये जो बॉडी है उस टैंक में जून से सड़ रही थी, इस हद तक गली हुई है। मेल है या फीमेल ये कंफर्म हुआ डॉक्टर? हाँ, मेल ही है। तो मतलब लास्ट कबीर सक्सेना की हो सकती है। उसका कोई ब्लड रिलेटिव है? हाँ, मामा मामी है, उनका एक बेटा है। कबीर की एक मौसी भी है, बाकी कबीर के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तो इकलौता है। तो फिर तो DNA सैंपलिंग नहीं हो पाएगा। मौत कैसे हुई होगी डॉक्टर? गले की हड्डी टूटी थी, सो स्ट्रैंगुलेशन इन ऑल प्रोबेबिलिटी। हाँ, उनके फ्लैट की स्कैनिंग में भी कोई ब्लड सैंपल्स नहीं मिले हैं, तो हम भी यही अनुमान लगा के चल रहे थे कि स्ट्रैंगुलेशन ही हुआ होगा। नहीं पापा, करीब 7-8 महीने हो गए ना तो शीतल भाभी से बात हुई है और ना ही कबीर भैया से। बेटा रोहन, पुलिस कह रही है जो बॉडी मिली है ना, वो बहुत बुरी हालत में, वो तेरे कबीर भैया की भी हो सकती। क्या क्या कह रहे हैं पापा आप? और शीतल भाभी कहाँ हैं फिर? किसी को कुछ भी पता नहीं बेटा, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन सबको यही डर है कि शीतल के साथ भी कहीं ऐसा ही कुछ ना हुआ। शीतल 2 साल बड़ी है कबीर से, जड़ वही है। मैं कह रही हूं ना, आप मानो या ना मानो, लड़की उम्र में बड़ी होने से हमेशा गड़बड़ हो जाती है। ये क्या दकियानूसी बातें लेकर तुम और दिमाग खराब करने लगी भारती? शीतल और कबीर को कोई एतराज नहीं था, शीतल के माता पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, और फिर इसका मर्डर से क्या लेना देना? मर्डर के साथ तो नहीं संजीव भैया, लेकिन लेकिन क्या हरीश, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि कोई गड़बड़ थी, क्योंकि 2 बच्चे पैदा होते ही चल बसे थे? सर, पांडे और शहनवाज की टीम ने कानपुर के सारे थाने खंगाले, पर जून महीने में कहीं पर भी कबीर सक्सेना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो मतलब शीतल झूठ बोल रही थी? और ये झूठ 2 बार बोला गया, एक तो कबीर के मामा मामी को कि कबीर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, और दूसरी बार खुद के माँ बाप को उन्नाव में, उनसे भी यही बात बोली गई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने वाली। कबीर डिप्रेस था क्या, इस बात से तंग आकर शीतल ने उसे मार डाला होगा? लेकिन कैसे? पहले फ्लैट में उसका गला घोंटा, फिर लाश को सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर टेरिस तक ले गई, और फिर खुद बॉडी को उठाकर पानी की टंकी में फेंक दिया। शायद अकेले नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, तो किसी ने साथ दिया होगा? नीचे वाले फ्लैट की पार्टी दुबई में थी तब, किसी ने देखा भी नहीं होगा। अगर साथ में कोई साथीदार था मेल, तो जरूर अफेयर की संभावना हो सकती है। खत्म कर दो इसे, या इसे, या दोनों को, या खुद को। अगर अफेयर वाला एंगल पकड़कर चलें सर, तो उस दिन घर पर एक मर्द और मौजूद होगा, और अभी तक हमें यह पता नहीं कि लाश कबीर की है। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि कहीं कबीर ने शीतल के प्रेमी का मर्डर तो नहीं किया है? अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ये मिसिंग कंप्लेन वगैरह एक नाटक हो सकता है, कबीर और शीतल का रचा हुआ। इस लाश को ठिकाने लगाने में तुम मेरी मदद करोगे, उसके बाद पुलिस थाने में जाके मेरी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाओगे। नहीं नहीं शीतल, आज के बाद तुम मेरी किसी भी बात को नहीं नहीं बोलोगी। इस कत्ल में तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो, समझी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसिंग वाली खबर सिर्फ दोनों फैमिलीज को गुमराह करने के लिए और एक तरीके से अश्योर करने के लिए बोली होगी? एक्चुअल में कंप्लेन हुई नहीं,
लेकिन जो मारा गया है उसकी फैमिली ने तो असली कंप्लेंट दर्ज की होगी ना, और वो बंदा शीतल से कनेक्टेड होगा, नहीं? ललित, ये एंगल बन भी रहा है या फिर हम जबरदस्ती फिट कर रहे हैं? सर, कबीर के मामा से उसके ऑफिस का एड्रेस और नंबर मिल गया है, बाइक शोरूम है, मैं वहां जाकर बात करता हूँ। और ये कबीर और शीतल की फोन रिकॉर्ड्स आने वाले थे, उसका क्या हुआ? शाम तक पहुंचेंगे, हमने पूरे 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। कबीर, कबीर का मर्डर हुआ? देखिए, अभी हम 100% श्योर नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि 26 जून को कबीर आखिरी बार काम पर आया था। हाँ, काम का लोड थोड़ा हेवी था और हमेशा की तरह वो फिर से हाफ डे चाहता था, हेल्थ खराब बता रहा था। सर, हेल्थ सच में ठीक नहीं है। आपका एक एम्प्लॉय अचानक से काम पर आना बंद कर देता है और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते कि माजरा क्या है। कबीर को यहाँ मुश्किल से 2 महीने हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा वक्त वो यहाँ आया नहीं या फिर आकर बीच में चला गया हेल्थ के बहाने। जिस दिन से वो जॉब पर लगा था उसी दिन से वो थोड़ा डाउन ही था, स्लो, सोच में खोया, मानो काम में इंटरेस्ट ही नहीं। अब सेल्समैन ऐसे थोड़ी ना होते हैं, मैंने सोचा नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो सिलेक्ट क्यों किया उसे? मैं इस कबीर को नहीं, आशीष तिवारी को अपने यहाँ काम के लिए हायर करना चाह रहा था। आशीष रामसन शोरूम का सेल्स मैनेजर है, कबीर उसके नीचे काम करता था। आशीष वहां पर जॉब छोड़ नहीं पाया तो उसी ने मुझे ये कबीर रिकमेंड किया। नंबर दीजिए इसे आशीष तिवारी का। जी नहीं, शीतल हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। आप उन सबके एड्रेस हमें भेजिए, हम सबसे दोबारा बात करेंगे। क्यों करेंगे? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस केस में कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, अब वो कौन है और क्यों बोल रहा है इस बात का पता अभी तक नहीं चला है। सर, अब हम यहां रुककर करेंगे भी क्या? अगर वो लाश हमारे कबीर की है तो वैसे भी उसमें कुछ बचा तो है नहीं। आप उसे हमें सौंप दीजिए, हम उसका क्रियाकर्म करके कन्नौज वापस चले जाएंगे। और रही बात शीतल की, अगर उसका हाथ इस कांड के पीछे है तो वो अपने आप तो हमारे पास आने से। देखिए संजीव जी, जब तक हम आपसे नहीं कहते आप कानपुर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात लाश की, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि लाश कबीर की है किसी और की, इसलिए आप अपने फैसलों पर थोड़ा लगाम लगाइए। सर, कबीर का फोन 26 जून को स्विच ऑफ हुआ था 9:00 PM यहीं कानपुर में, हिंदनगर। और शीतल का? 29 जून 2:00 PM उन्नाव में, जहां उसके माँ बाप रहते हैं। पहले उसका कबीर के मामा मामी को ऋषिकेश में 27 तारीख को फोन करना। आजकल बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं, अब देखिए कल ऐसे ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद अगले दिन 28 तारीख को कबीर के मामा को फोन करके ये कहना कि उसने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज की है। जी मामा जी, वो अब तक घर नहीं लौटे, मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज करवा दी। ये सब एक प्लान का हिस्सा था, पूरा एक सीन तैयार किया गया, एक बखेड़ा खड़ा किया गया और उसके बाद मैडम गायब हो गई अपने मायके से। कबीर के मामा मामी से हुई बात, शीतल के फोन रिकॉर्ड में लास्ट नंबर है सर। और उसके पहले किसी अफेयर का इंडिकेशन? अप्रैल के पहले हफ्ते से, मतलब पूरे 3 महीने के रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ शो तो नहीं कर रहा है। ललित, एक बात और खटक रही है, और वो ये कि ये जो हमारे पास मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने वाला झूठ बोला गया, क्या वो सिर्फ शीतल ने बोला था? क्योंकि ना ही कबीर के मामा मामी ने और ना ही शीतल के माँ बाप ने इस कंप्लेन को वेरीफाई करने की कोशिश की, क्यों? सर, कहीं दोनों को भगाने में उन्हीं का हाथ तो नहीं था? अगर मदद की भी है तो क्यों? और शीतल और कबीर ने आखिर किसका कत्ल किया होगा? और फिर शीतल का अफेयर किसके साथ रहा होगा? सर, कबीर का खास दोस्त, पुराने शोरूम का मैनेजर आशीष तिवारी, इस वक्त आगरा में, कल आ रहा है। ललित, हमें और भी लोगों से बात करनी होगी, हमारे पास लाश है लेकिन ये नहीं मालूम किसकी है। कोई तो होगा जिसे ये मालूम होगा कि शीतल कहाँ है, या फिर शीतल और कबीर दोनों कहाँ हैं। सर, उसके मामा के अलावा यहाँ और किसी को तो आते जाते देखा नहीं कभी। रही बात अफेयर की, तो अब पूरे साल हम यहाँ मुश्किल से 3 हफ्ते ही रहते हैं, इसलिए इस बारे में कुछ कह पाना। वैसे ये कबीर यहाँ रहने कब आया था और इससे पहले कौन रहता था यहाँ? ऊपर वाला मकान तो कबीर के मामा संजीव माथुर जी का है, उन्होंने कबीर की शादी के बाद कबीर को यहाँ रहने दिया था। कबीर एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो जिंदा भी हो सकता है? हाँ ऑफकोर्स, मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त 3 महीने से गायब है और आपने एक बार भी फोन नहीं किया, पता नहीं किया क्या हुआ उसे, उसकी पत्नी को? आप जानते होंगे कबीर के 2 बच्चे एट बर्थ चल बसे,
वो डिप्रेस था। आप तो डिप्रेस नहीं है ना? हाँ देखिए, कॉलेज के बाद वो सीधे शोरूम ज्वाइन हुआ था मेरे नीचे, करीब 7 साल था, काम में भी अच्छा था। हाँ हमारी दोस्ती थी, पर उसके दायरे सिर्फ शोरूम तक ही थे। कुछ नया सीखा मैंने आज, दोस्ती के भी दायरे होते हैं। देखिए सर, मैंने उसकी काफी हेल्प की थी, वो अपने गम में इतना डूब गया कि काम ही नहीं करता था, और बॉसेस भी उसे निकालने की बात कर रहे थे, तो मैंने उसे दूसरी जगह जॉब दिला दी। शीतल को जानते हो? हाँ ऑफ कोर्स। पर दायरे के अंदर ही होगा नहीं? बिल्कुल, उतने करीब से नहीं। उसका अफेयर था? मुझे कैसे पता होगा सर? कबीर ने कभी बताया हो तुम्हें या कहीं और से सुना हो? नहीं सर, मैंने कहा ना आपसे, हमारी दोस्ती उतनी पर्सनल कभी नहीं थी। हाँ सर, कबीर भैया और मैं एक साथ सगे भाइयों जैसे बड़े हुए थे। तो फिर अचानक ये दूरी कहाँ से आ गई कि 7-8 महीने तक तुम्हारी कबीर भैया से बात तक नहीं हुई? सर अपनी शादी के बाद कबीर भैया उस घर में शिफ्ट हो गए थे, और उस समय मेरी नई जॉब दिल्ली में फिक्स हुई थी और मैं यहाँ आ गया। सो सर मैं यहाँ बिजी हो गया और वो वहाँ। हमारी बात तुम्हारी भाभी शीतल से शुरू हुई थी। तो आपने पूछा उनका कोई अफेयर था या नहीं? सर अब मैं कानपुर में नहीं, और शीतल भाभी कबीर भैया से ज़्यादा टच में नहीं था, तो कैसे पता चलता? और सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शीतल भाभी ये बात मुझे खुद क्यों बताएगी? और ये जो घर है जिसमें कबीर रहता है, ये तुम्हारे पिताजी का है? था 2011 में कबीर भैया की शादी के बाद पिताजी ने खुद ये घर उनके नाम कर दिया था। आप हमारे रोहन की तरफ इशारा कर रहे हैं? लाश अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन हमें शक है कि ये लाश आपके भांजे कबीर की हो सकती है, और ये मर्डर उस घर में हुआ है जो कभी आपका हुआ करता था, जिसे आपने अपने भांजे को गिफ्ट कर दिया था। वो भांजा किसी बेटे से कम नहीं है, मेरी बड़ी बहन का बेटा। मैंने और लता ने ठीक उसे उसी तरह पाला है जैसे अपने बेटे रोहन को पाला। आ बेटा। मामा जी एक मिनट, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? घर है हमारा। हाँ मामा जी, पर ये घर तो बचपन से मैं कई बार देख चुका हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ पर अपनी जवानी बिताओ, तुम और शीतल बेटी। मामा जी हमसे कोई गलती हो गई है जो आप हमें अपने घर से निकाल रहे हैं? अरे वो घर भी तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन यहाँ तुम अपनी गृहस्थी बसाओगे, तुम दोनों का घोंसला होगा ये, और ये सब कुछ तुम्हें खुद करना है। हम तो तुम्हें बस एक ढांचा दे रहे हैं। पर मामा जी ये घर आपने पाई पाई जोड़कर बनाया है। कबीर बेटा, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने, अरुण जीजा जी और जानकी दीदी ने बनाया, मैं आज जो कुछ भी सिर्फ उन्हीं की बदौलत। वो सब तो ठीक है मामा जी, पर इस पर हक रोहन का बनता है, मेरा नहीं। बेटा हक जितना रोहन का है उतना तुम्हारा भी है, और रोहन की जब शादी होगी, जब घर बसाने की बात आएगी, तो वो घर उसके नाम कर देंगे, लेकिन अभी ये घर तुम्हारा है। कबीर को घर देने का फैसला मैंने रोहन को बताकर किया था, और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, प्यार था दोनों के बीच में, सगे भाइयों वाला प्यार। जी अकाउंट मेरे सामने खुला पड़ा है, और क्लियरली दिख रहा है कि ना कबीर ने ना शीतल ने 24 जून 2016 के बाद अपने जॉइंट अकाउंट से कोई भी विड्रॉल्स किए हैं। एटीएम कैश विड्रॉल्स भी नहीं? एक भी नहीं, कोई डिपॉजिट भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे इनके एक दो छोटे मोटे एफडीज भी हैं। नहीं सर, रोहन सच बोल रहा है, वो थ्रू आउट दिल्ली में ही रहा है, उसके और शीतल के बीच कोई फोन कॉल्स नहीं हुए। और कबीर के मामा मामी, शीतल के माँ बाप, ये शीतल के टच में रहे? संजीव और लता माथुर के फोन रिकॉर्ड से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने शीतल और कबीर के बैंक अकाउंट भी चेक किए, 24 जून 2016 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ना डिपॉजिट ना विड्रॉल। अजीब केस है। एक फैमिली 2 हफ्ते की छुट्टी बनाने के लिए दुबई से घर लौटती है, उनके नल के पानी से अजीब सी गंदी बदबू आती है, और हमें उसी घर के पानी की टंकी में से एक 3 महीने से सड़ रही लाश मिलती है, और ये पता चलता है कि एक जोड़ा है जो कि 3 महीने से किसी के टच में नहीं है, मानो गायब हो गया। अफेयर वाले एंगल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं है। ललित शायद कोई अफेयर था ही नहीं, मर्डर और गायब होने के और भी 1000 कारण हो सकते हैं। नहीं और मुझे बताने के लिए बहाने क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल ने ही कबीर को मार डाला हो और फिर नाटक रचाओ कबीर के गायब होने का? पर शीतल कहीं मिल नहीं रही है सर, पूरा उन्नाव स्कैन किया, एक एक स्टेशन, सुसाइड केसेस भी। हो सकता है अपने माँ बाप के घर से निकलने के बाद शीतल ने खुद को कुछ कर लिया हो। आफ्टर ऑल सर, दो दो बच्चे खोने का डिप्रेशन अगर बाप को इतना हो सकता है तो माँ को भी हो सकता है। हमने तलाश जारी रखी, कभी सिर्फ शीतल के लिए तो कभी शीतल और कबीर दोनों के लिए, पर हकीकत ये थी कि हमारे हाथ एक भी सुराग नहीं लगा, नॉट अ सिंगल क्लू। एक आदमी का कत्ल हुआ था उस घर में और अभी तक हमें ये नहीं मालूम था कि वो कबीर सक्सेना है या कोई और। ऐसा लग रहा था कि ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, और सच कहूँ तो हमारी तरफ से ये केस आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी ये केस क्रैक हुआ। आखिरकार हमें ये पता चल गया कि 3 महीने से पानी की टंकी में सड़ रही लाश किसकी थी। मुझे नहीं लगता भारतीय हरीश जी को इसके बारे में कुछ पता है, वरना इतने दिनों में सच्चाई जरूर बताते। भारती, ये तुम्हारे संजीव भैया लता भाभी कुछ अलग किस्म की टेंशन में लग रहे हैं ना? मैंने भैया भाभी दोनों से अलग अलग पूछा है, दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं है। पर भैया 2 दिन में 2-2 बार फतेहपुर हो आए हैं। बात क्या भारती, पुलिस को बता दे। तो आपने शीतल को ढूंढ निकाला? जी, 2 दिन पहले मुझे एक हिंट मिला कि क्या हुआ होगा 3 महीने पहले। कैसा हिंट संजीव जी? वो मेरा एक भांजा है मयूर, उसी के फोन में शीतल का मैसेज आया और उसके मैसेज से लगकर शीतल की फोटो भी थी। कौन है ये भांजा मयूर और अभी तक आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इसमें शामिल हो सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो मेरी छोटी बहन है भारती, उसी का बेटा है। प्रणाम मामा जी। कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक है हम भी। मयूर बाथरूम गया था फोन बाहर छोड़कर, मैं चाय पी रहा था जब एक मैसेज आया उसके फोन पर, अचानक मेरी नजर गई और देखा तस्वीर तो शीतल की है। मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि शीतल मयूर को मैसेज भेज रही है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगाऊं माजरा क्या है। मयूर फतेहपुर में रहता है, मैंने अपनी बहन से बातों बातों में उसका एड्रेस लिया और बस पहुंच गया उसके पास। जी हम कानपुर से आ रहे हैं शीतल जी। बोलिए क्या काम है? आपसे और मयूर श्रीवास्तव जी से थोड़ी गुफ्तगू करनी है। कैसी गुफ्तगू? मर्डर की। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके मर्डर की रेसिपी क्या थी, आप दोनों ने मिलकर आपके पति कबीर को कैसे मार डाला। सर शीतल हाथ लग गई है पर मयूर का फोन स्विच ऑफ है, फतेहपुर पुलिस को खबर कर दी है कि उसके ऑफिस में चेक करें। कहीं इस मयूर को भनक तो नहीं लग गई कि हम उसको लेने आ रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, वैसे शीतल भी आन मौके पर हाथ में लगी, बैक पैकिंग चल रही थी घर में। चोर पुलिस के खेल में जब शीतल आउट हो गई तो ये मयूर कब तक खेलेगा हमारे साथ? लग तो ऐसा ही रहा है, वैसे शीतल भी आन मौके पर हाथ में लगी, बैक पैकिंग चल रही थी घर में। चोर पुलिस के खेल में जब शीतल आउट हो गई तो ये मयूर कब तक खेलेगा हमारे साथ? ये क्या भैया, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भारती, मयूर और शीतल दोनों फतेहपुर में एक साथ रह रहे थे। ये क्या कह रहे आप संजीव जी? हाँ हरीश, और पूरी संभावना है कि कबीर को
मयूर और शीतल दोनों ने मिलकर मार डाला। क्या? आज सुबह मयूर का फोन आया था, मैंने उससे कहा कि आप फतेहपुर में थे, आपने मुझे नहीं बताया कि आप किस वजह से जा रहे हैं फतेहपुर। शीतल जी, मर्डर की साजिशों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक जो भी कहानी है बिना कुछ भी बदले सीधी तरह चुपचाप बताते जाइए। सर, हमने दो बार अपने बच्चे खोए थे, उसका घाव अभी तक ताजा था, ऊपर से कबीर उसका डिप्रेशन शुरू हो गया था, और सर वो इतना डिप्रेस्ड रहता था कि मैं घर में हूँ, उसकी जिंदगी में हूँ, बेडरूम में उसके बगल में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सर वो एक जिंदा लाश बन चुका था, लेकिन मुझ में अभी तक जिंदगी बाकी थी, मैं आगे बढ़कर सब कुछ भुलाना चाहती थी, इसलिए सर मैं मयूर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। आपके और मयूर के बीच में कोई फोन कॉल्स नहीं दिखे, कोई दूसरा नंबर था आपके पास? कोई दूसरा नंबर नहीं था, हम सिर्फ चैट मैसेजेस के थ्रू ही बात करते थे, और एक दिन कबीर के हाथों लग गए वो सारे मैसेजेस। I'm really very sorry, कबीर। वो मयूर भाई है तू मेरा, ऐसा करते हैं भाई। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा कभी होगा भी नहीं, ये आज के बाद तू यहाँ दोबारा नहीं आएगा, निकल जा यहाँ से। कबीर तुम शीतल, तुम तो बीच में बोलो ही मत, तुमने ना तो सिर्फ शर्म की सारी हदें पार की हैं, बल्कि तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। रिश्ते ना एकदम से बनते हैं और ना ही एकदम से तोड़े जाते हैं। मैं और मयूर एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाए, बाहर मिलने लगे छुप कर। लेकिन 26 जून की दोपहर को आप लोग घर पर मिले, और कबीर उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था, और वो अपनी चाबी से दरवाजा खोल कर अंदर आया। सारी बात आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी उस दिन, कब क्या कब कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ मैं हमारे दो खोए हुए बच्चों की याद को भुला नहीं पा रहा हूँ, और तुम हो कि अपने आप पे काबू नहीं रख पा रही हो। इंसान की जिंदगी में अगर कोई कम या दुख है तो क्या हमेशा के लिए वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है? मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, कैसी पूरी करूं, क्या करूं अपनी इच्छाओं का? तुम्हारी तरह अपने ऊपर डिप्रेशन को बुलवा लूं, या फिर उसकी एक्टिंग करूं, या फिर लोगों से तरस की भीख मांगूं? पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था शीतल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हमने कबीर की बॉडी टैंक में फेंक दी और हम वहां से निकल गए, और फिर मिसिंग कंप्लेंट का झूठ बोला गया कबीर के मामा और अपने पेरेंट्स को। और 29 जून से फतेहपुर में मयूर के साथ रह रही थी जी। ये मयूर कहाँ भाग गया? वो सब मुझे नहीं पता, सुबह उसकी जब अपनी मम्मी से बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि मामा जी फतेहपुर आए थे दो दो बार। मयूर को शक हुआ कि शायद उन्हें कुछ पता चल गया है, तो उसने मुझे बैग पैक करके स्टेशन के पास आने को कहा। जब आप लोग आए तब मैं वहीं के लिए निकल रही थी। स्टेशन पर तो नहीं मिला मयूर, वैसे कहाँ भाग कर जाने का प्लान था?
वो सब उसने नहीं बताया, बस स्टेशन के पास आने को कहा बैग पैक करके। दोनों घर के ही लड़के थे, हम अभी तक मयूर को ट्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन बस समय का खेल है, बहुत जल्द वो हमारे लॉकअप के अंदर होगा। दुनिया के हर कल्चर में जब आदमी और औरत शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे के साथ वफादारी से रिश्ता निभाने की कस्में खाते हैं, और लगभग हर समाज में यही दस्तूर है। अक्सर हम और समाज मिलकर इस कमिटमेंट को पत्थर की लकीर बनाते हैं, ये भूलकर कि कमिटमेंट की नींव प्यार होता है, आपसी मर्जी होती है, मजबूरी कभी नहीं हो सकती। कहानियों में भले ही प्यार अमर होता हो, लेकिन असल जिंदगी में प्यार ना सिर्फ कम हो सकता है बल्कि पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। अब ऐसी शादी में फंसा हुआ कोई आदमी या औरत आखिर कब तक इस झूठ को जीता रहे? अगर जोड़े में से किसी एक को भी नए जगह पर आकर्षण हो रहा है, प्यार मिल रहा है, तो समझदारी इसी में है कि पुराने कमिटमेंट को गरिमापूर्ण तरीके से खारिज किया जाए और नए कमिटमेंट को एक मौका दिया जाए। प्रेम आखिरकार एक जज्बात है और ये इंसानी फितरत है कि कभी वो इस एहसास से जुड़ता है तो कभी इससे मुंह मोड़ता है, लेकिन बेवफाई का दर्द, आवेश, शौक, गुस्सा, ये सारे जज्बात मिलकर भी किसी की जान लेने के दर्द से कम ही होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।